ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम जो है वो दिल्ली में आई हुई है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की वीडियो शूट करने के बाद इसके सामने ही तकरीबन हुमायूं का टॉम है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है हुमायूं टॉम, ये तकरीबन 60 हेक्टेयर से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, निजामुद्दीन एरिया में है। और ये जो टॉम है ये तकरीबन जमुना के किनारे स्थित है, हालांकि जब बना होगा जमुना के किनारे पे होगा, अभी थोड़ा थोड़ा रिवर की शिफ्टिंग होने की वजह से शायद थोड़ा सा जमुना रिवर जो है यहाँ से हट गया है। ये जो सराउंडिंग का नज़ारा है ये मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं भूल ना जाऊँ, ये जो ट्रैवल ब्लॉग है, ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया, ये आपका अपना ही चैनल है। ये एक सीनियर कपल है 60 और 70 की ब्रैकेट में, ये सारी वीडियोस उनके अपने पर्सनल ट्रैवल के ऊपर आधारित हैं और ये आपके सामने ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया के नाम से ये सारी वीडियो आती हैं। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी वीडियो को निरंतर लाइक करें और बेल आइकॉन जो आप नीचे घंटी बनी हुई है उसका साइन बना है उसको आप दबा दें, ताकि ये सारी की सारी वीडियो जब भी ये बनती हैं तो आपके सामने आ जाएंगी और आप इनको देख सकें। इस चैनल का मकसद तो यही है कि आप बाहर जो इतना महंगा ट्रैवल है वो करने की बजाय इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करें। इंडिया में ट्रैवल की गंजाइश बहुत ज़्यादा है, बाहरले कंट्रीज़ से लाखों की गिनती में जो टूरिस्ट है यहाँ पे आते हैं और इंडिया एक चीप डेस्टिनेशन है। ये हमारे भाई खड़े हैं, बताइए जी इंडिया सस्ता है या अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड जाएंगे वो सस्ता पड़ेगा हमें? कश्मीर से है तो आप कश्मीर से हैं तो कश्मीर वर्ल्ड का पहली बात ये है कि स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा अच्छा कश्मीर है। और हमारी मैसेज यही रहेगी कि अगर कहीं पे एक हमारे जो बड़े शायर हैं, शायर मशरक उसे कहते थे, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा है अगर फिरदौस ज़मीं अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्तो तो जन्नत यही है। अगर कहीं है तो वो कश्मीर ही है, वो स्विट्ज़रलैंड में तो नहीं, स्विट्ज़रलैंड उससे दूसरे नंबर पे आएगा। ब्यूटी को कंपैरिजन करना अलग बात है, लेकिन अगर अपनी चीज़ है हम अपनी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए ये है कि हम आप तमाम जो हमारे देखने वाले होंगे उनको सबको इनविटेशन देते हैं आप कश्मीर आए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जो आपको नाराज़ नहीं करेगी। ओह थैंक यू सो मच, राइट, धन्यवाद। ये हमारे भाई थे, ये कश्मीर से आए हैं और इन्होंने भी जो बताया है अभी कि इंडिया के अंदर ट्रैवल की गुंजाइश बहुत है, पर्टिकुलरली जो लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं वो एक बार कश्मीर भी जाके आएं। स्विट्ज़रलैंड का एक टूर और कश्मीर के उसमें से 10 टूर निकल आएंगे, आप हर साल जा सकते हैं और कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा सुना। चलिए मैं अभी वापस हुमायूं के टॉम की तरफ आता हूँ। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, इसका इंटीरियर की वीडियोग्राफी मैंने कर ली है, अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसकी वीडियोग्राफी मैं आपको करके दिखाऊं और ये बताऊं कि कितना मैसिव ये टॉम है, कितना मैसिव ये मॉन्यूमेंट है। और अंदाज़ा लगाइए कि आज से 500 साल कबल एक लेडी की रहनुमाई में हुमायूं की वाइफ हाजी बेगा बेगम ने इसको जो बनवाया था 1560 और 70 के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन, तो कितना मुश्किल रहा होगा इतना बड़ा अरेंजमेंट करना, इतने बड़ा मटेरियल लाने, इतने बड़े आर्किटेक्ट लाने, इतनी बड़ी सुपरविज़न करनी, हज़ारों की गिनती में मज़दूर इकट्ठे करके लगाने,
तो हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन लोगों की कितनी बड़ी एफर्ट थी, और उनकी एफर्ट क्या थी, हिंदुस्तान को सजने और संवारने की ही ये एक एफर्ट मैं कहूँगा। बाकी ये जो टॉम बना है, टॉम भी बेसिकली क्या है, एक कब्रगाह ही है ना। तो ये चाहे कब्रगाह की आड़ में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर जो खड़ी की हैं, और ये आज 500 साल के बाद भी ये इमारतें वैसी की वैसी बुलंद हैं, और पूरी दुनिया में लोग इनको देखने आते हैं, तो ये हमें, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। लीव पार्ट द टॉम के इसमें किस कौन दफन है कौन नहीं है, चलिए एक मिनट के लिए उसको हम भूल भी जाएं, क्योंकि वो तो उनको मुग़ल डायनेस्टी का एक पर्सनल मामला रहा होगा। सो इस ढंग से ये इतनी अच्छी अच्छे मोनूमेंट इंडिया के अंदर हैं कि ये डेस्टिनेशन इतने चीप हैं कि लोगों को ये दिखना। अभी मैं ये पूरे के पूरा जो टॉम है इसका राउंड ले रहा हूँ, और इसका राउंड भी इतना आसान नहीं है। इसका राउंड लेते लेते भी मुझे तकरीबन मे बी 25-30 मिनट्स लग जाएंगे। अभी थोड़ी सी ब्रेक लेके मैं आपको ये सामने एक मकबरा दरख्तों के नीचे छुपा हुआ है, रेज प्लेटफॉर्म पे है, इसको नाई का मकबरा कहते हैं, बार्बर टॉम। ज़्यादा हिस्ट्री इसकी कुछ पता नहीं है, ऑथेंटिक हिस्ट्री भी किसी को पता नहीं है, जैसे बूहनीमा गेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसी तरह ये नाई के मकबरे के बारे में भी पुख्ता जानकारी शायद किसी को नहीं है। अभी फिर मैं दोबारा अपना कैमरा जो है ये टॉम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी बीच में ट्रीज़ हैं और पूरा व्यू शायद नहीं आ रहा, देखो धीरे धीरे आ भी रहा है। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो इसका पूरा व्यू फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर वाला गोल्डन गुंबद है, ये सारा आपको दोबारा नज़र आ गया है, आ गया है। और अभी ये चार बाग का सीन भी ये है, इसके चारों तरफ आई थिंक ये तकरीबन 6, 12 और मे बी 16 गार्डन हैं जी। इसके चारों तरफ 16 गार्डन्स हैं, स्केल गार्डन्स है, और इसके फ्रंट में वाटर बॉडी भी है। ये अभी हम धीरे धीरे इसके बैक साइड पे आ गए हैं, ये बैक साइड का सीन है इसका। और ये जो चार बाग मैंने बताए हैं वो हैं। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा इसकी ये बताता चलूं कि हुमायूं जो था वो आपको मालूम ही है बाबर का बेटा था। बाबर भी इंडिया को फतेह करने के बाद, पानीपत की पहली लड़ाई 1527, उसके बाद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई। और उसका बेटा हुमायूं जो पर्शियन आर्ट का, लिटरेचर का एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, वो टेक ओवर करता है बाबर के बाद। लेकिन उस समय उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। शेरशाह सूरी जो था वो राइज़ करता है, और ये ईसा खान जिसका मकबरा यहीं पे बना है, इसी कम्प्लेक्स में बना है।